अर्चना फूड लवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज हम बनाने वाले सिंपल और सरल तरीके से कढ़ी पकोड़ा। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर, ये पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्याज लिया है, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। तो हमने जो बैटर रेडी किया था वो इसमें डाल लेंगे इस तरीके से। अब मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये हमारे कढ़ी के लिए पकोड़े रेडी हो चुके हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दही लिया है, इसमें डालेंगे हम बेसन, इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये डालेंगे थोड़ा गरम मसाला, इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। मैं इसको इस तरह से फेंट रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। तो ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे सरसों के दाने, जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, और ये 2 हरी मिर्च। तो ये लहसुन ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसमें डालेंगे ये फेटा हुआ दही। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसमें 1-2 मिनट के लिए हम उबाल आने देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, तो हम इसमें डालेंगे ये पकोड़े। ये डालेंगे कसूरी मेथी, और हमें इसे 1-2 मिनट तक और पकाना है। तो ये हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। तो हम इसमें डालेंगे हरा धनिया,
आपके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारी सिंपल और सरल तरीके से कढ़ी बनकर रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।